नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के चांदपुर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता एसपी गुप्ता की खास रिपोर्ट। चांदपुर की बीबीएस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड शुगर मिल की चैन में किसान के गिर जाने से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, चांदपुर के ग्राम करणपुर गावड़ी निवासी तुकमार उर्फ बबलू पुत्र धर्मपाल सिंह अपना गन्ना तोलने के लिए बुक्की से शुगर मिल पहुंचा था। किसान ने अपना गन्ना चैन में पलट दिया। कुछ गन्ना बुग्गी में रह जाने के कारण वह बुग्गी की दूसरी साइड में आ रहा था, तभी पास में एक किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से अपना गन्ना चैन में पलटा रहा था, तभी अचानक किसान चैन में गिर गया। उसके ऊपर क्रेन से उठाकर डालने वाला गन्ना भी गिर गया, जिस कारण किसान गन्ने में दब गया और चैन के कटर वाले हिस्से में चला गया, जिससे उसकी दुखद मौत हो गई। घटना को देखकर मौजूद किसानों ने शोर मचाया, परंतु रात्रि में चैन की तेज आवाज होने के कारण किसी को सुनाई नहीं दी, जिस कारण चैन को बंद नहीं किया जा सका। घटना की सूचना जैसे ही मृतक के परिजनों को मिली तो वे तुरंत शुगर मिल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शुगर मिल के कैमरों की डिटेल अपने कब्जे में ले ली। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल में जुट गई। मिल में जमा किसानों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने और मृतक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दिए जाने की मांग की। और जब गन्ना गिरते हुए ये गिरा है, जब गन्ने के ऊपर खड़ा था वहाँ, तो मिल प्रबंधन की, मैं तो आता नहीं मिल में, ये तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, हम सुरक्षा में कैसे गिरा, कहाँ से गन्ना आया इसके ऊपर, तो ये सारी व्यवस्थाएं तो भैया मिल प्रबंधन की होनी चाहिए। रोज आ रहे हैं लोग, कितने लोग गिर के मरेंगे तो रोजाना, उससे ज्यादा बदमाशी इन्होंने ये करी, जो मेरे हिसाब से 302 का मुकदमा बना। इन्होंने एविडेंस और मिटाए, 4-5 घंटा ही लोग जो आते रहे इक्के दुक्के, जब पता लगता रहा कि भाई गिर गया चाहे, तो बजाय बताने के भाई एक्सीडेंट तो सड़क पे भी होते हैं, बता दिया जा ये आदमी मर गया चाहे, उसके घर वालों को खबर दी जा रही है, थोड़ी क्या उसे उसकी लाश को गायब करवा दो, तो ये चलाते रहे जिससे कि हड्डी वड्डी कहीं कुछ ना आवे। अब तो इतना हो सकता है, भगवान ना करे भैया, मैं जानता नहीं फोरेंसिक का मामला, कि फोरेंसिक वालों में इसकी चीनी में उसमें कुछ हाथ आ जावे। तो हमारी तो यही मांग है प्रशासन की, चूंकि बहुत बड़ा चोर ग्रुप है ये, सारा हिंदुस्तान, सारी मीडिया, सारे नेता, सारी पब्लिक जाने चड्डा को कितने बड़े चोर हैं। कोड़ियों में इन्होंने जमीन खरीदी है, जो कुछ करा राजनीतिक मामले, अब हमारे जैसे कपड़े फंस रहे हैं उसके बच्चे के जगह जगह उसमें चेन में, इसीलिए इन्होंने चेन लगातार चलाई है। बॉडी की स्थिति क्या भैया? बॉडी तो है ही नहीं, चूरमा बन जाता है जैसा बता रहे हैं लोग। तो हम तो ये चाहते हैं कि फोरेंसिक जांच, जो चूंकि इतने बड़े भेड़िए से हमारा मुकाबला है, किसानों की इतनी ताकत आज तो इकट्ठी हो गई, लेकिन टेक्निकली ना ये कल इकट्ठे होंगे, ना हम लोग अदालत में, उनके बड़े वकील हैं हमसे भी, तो मैं चाहता हूं कि फोरेंसिक के जितने भी जांच की टीम आवे, ईमानदारी के साथ सारा कलेक्शन करे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।